नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। सीतापुर में अवध सुगर मिल हरगांव का एक क्रय केंद्र महिला बाग ग्राम में स्थित है, जहां पर गन्ना दलालों की गुंडागर्दी के चलते सामान्य किसान कई कई दिन तक अपना गन्ना तुलवाने में कामयाब नहीं हो पाते। दलालों की गुंडागर्दी आज उस समय अपनी सभी हदें पार कर गई, जब क्षेत्र के कसा और सकलपुर के किसान प्रमोद कुमार, जुल्मी सिंह, अशोक, बिमलेश, हरसारण आदि किसानों ने अपनी दो दिन से खड़ी बैलगाड़ियां तुलवाने सेंटर पहुंचे तो गन्ना दलाल पंकज, नीलम, अभय, पिंटू सिंह, धनपाल सिंह निवासी ग्राम पछेरा अपने तुरंत ही खरीदे गए गन्ने को पहले तुलवाने के लिए अड़ गए। विरोध करने पर उपयुक्त गन्ना किसानों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई और ईंट पत्थर भी बरसाए गए और अवैध असलों से फायरिंग भी की गई। किसानों की दो मोटरसाइकिलों को कब्जे में ले लिया गया। सूचना पर थाना अध्यक्ष हरगांव श्री अश्विनी कुमार पांडे मौके पर पहुंचे, जिससे गन्ना दलाल फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को गंभीर स्थिति में PSC हरगांव भेजा, जहां से उनको गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल सीतापुर रेफर कर दिया गया है। क्या मामला था? उन्होंने साथ में फेंक कर मारा, मेरी नाक में लगा कि किसने, और वो बघोड़ी हमारी ट्राली ट्रैक्टर पे खड़ी हुई थी, तौल के लिए हम गन्ना तौलाने गए थे और जाते ही जाते वो लोग ईंटा पत्थर और बांके थे। ईंटा मेरे पैर पे मारा, चोट लगी, बांका मार दिया है नाक पे। किसने मारा है? पंकज त्रिधान पछेरा। क्या मामला था जो मारने लगे? सेंटर पे हम लोग गए थे गन्ना तौलाने और बस जाते ही जाते मारने लगे। क्या पहले से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था, सिर्फ हम लोग गए गन्ना तौलाने कांटे पे, बस चालू हो गए तुरंत। इसको लेकर थाने में तहरीर दी आपने? जी जी जी। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह तोमर। मामला था गन्ना तोड़वाने के लिए गए थे, वहाँ पे गन्ना तोड़वाने के चक्कर में बातचीत हुई। सिंह थे प्रधान, उन्होंने हमारे पे फायर किया, फायर नहीं लगी। उसके बाद वो तमंचा था, तमंचा की बेटी हमारे सर पे मार दिया, सर फट गया। इसके पहले कोई विवाद था आपका उनका? विवाद कोई हमारा नहीं था, ऐसे ही मतलब गन्ना तोड़वाने के चक्कर में हुआ, कोई विवाद हमारा, कोई जाति कुछ नहीं। आपने थाने में तहरीर दी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह।